आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स जो टॉपिक स्टार्ट है दैट इज पॉलिनोमियल्स. ये भी ना एक्चुअली वो टॉपिक है जो कि फॉर एवर हमारे साथ रहेगा. हम लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें, किसी भी प्रोसेस में आगे जाएं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये पॉलिनोमियल्स हमारे सामने आते ही रहेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वेज में, नाम बदल बदल के आते रहेंगे. अच्छा, अब इन द नेक्स्ट फ्यू डेज जो हम इसमें काम करेंगे उनमें बहुत सारे मेथड हम ऐसे भी करेंगे जो डायरेक्टली बुक्स में गिवन ही नहीं है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा. उसको एक्चुअली देखना कि कितनी नई नई बातें हैं जो कि अगर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हों तो हम ऐसे के नए नए पॉइंट्स को समझ पाएंगे जो कि डायरेक्टली हमें दिखेगा कि बुक्स में कई बार अवेलेबल भी नहीं होंगे. तो उसको एक्चुअली नोटिस करना और बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली बाय द एंड ऑफ द टॉपिक, जब हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो वी शुड बी वेरी स्ट्रांग. हमें उस जोन में होना चाहिए कि अब इसका कहीं से कोई मर्जी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हमसे होना चाहिए. अब जो आज वाली क्लास में करेंगे वो बस इसकी बहुत बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है. पहले हर पॉइंट को पकड़ा करो. इसमें जो भी क्वेश्चंस हम कल को किसी भी लेवल पे देखेंगे वो सारे के सारे जो हमने क्लास में काम करा होगा सब वहीं से निकलेंगे. तो इसलिए जो जो बातें देखो उनको अच्छी तरह ऑब्जर्व करना. चलो अब देखना शुरू करते हैं कि इस टॉपिक में है क्या एक्चुअली. अब देखो, आज वाली क्लास में जो नाम और डेफिनेशन सुनेंगे ना वो कर तो अभी रहे हैं लेकिन एक्चुअली हमारे साथ अब ऑनवर्ड्स फॉर एवर रहेंगे. तो अब आज जो नाम सुनने लगे हैं दैट इज पॉलिनोमियल्स. तो अब पॉलिनोमियल्स नाम सुन के पहला क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि क्या होता है पॉलिनोमियल. हमें नहीं पता, तो अब बस इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो. जितनी भी ये एक्सप्रेशंस यहाँ लिखी हुई हैं हमें क्लैरिटी है कि ये हैं तो सारी की सारी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अब बिल्कुल ध्यान में रखना और ये लाइन पकड़ना कि पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एक पॉलिनोमियल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है. बस शर्त ये है कि पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो एक्स की पावर्स होंगी वो सारी की सारी कोई होल नंबर होंगी. कैसी होगी एक्स की पावर्स? होल नंबर. तो दिस इज द ओनली डेफिनेशन दैट इज टू बी अंडरस्टूड कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ एक्स आर ऑल होल नंबर्स. अब अगर अपनी इतनी सी डेफिनेशन को पकड़ के बिल्कुल याद रखना, होल नंबर्स होनी चाहिए सारी की सारी. ये हमारा अकेला इस टॉपिक में हमारे काम का नंबर है. ऑल द पावर्स ऑफ एक्स शुड बी होल नंबर्स. ये इतनी सी रिक्वायरमेंट है. अब बारी बारी ज़रा हम लोग चेक करना अगर शुरू करें तो देखो ये पहली एक्सप्रेशन है. इन जनरल ये पॉइंट पकड़ो. अब जैसे भी ये एक्सप्रेशन है, इन जनरल जो पॉलिनोमियल होगा ना हमेशा वो इस फॉर्मेट का होगा. इसमें ए ज़ीरो ए वन ए टू ऐसे ए एन तक ये सोचो कि सारे के सारे कोई कॉन्स्टेंट्स हैं. तो अब पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा एक्चुअली इस फॉर्मेट का होगा. कोई टर्म के साथ एक्स की पावर मल्टीप्लाई कर रही है प्लस नेक्स्ट टर्म के साथ एक्स की पावर मल्टीप्लाई कर रही है एंड सो ऑन. जो एक्स की पावर्स होंगी वो गारंटेड हमेशा कोई होल नंबर होंगी. एन, फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री, लास्ट में ए एन. जो ए एन है उसको एक्स की पावर जीरो साथ में पढ़ लो तो क्या विजिबल है कि सारी जो एक्स की पावर्स आ रही हैं वो गारंटेड कोई होल नंबर है. अब इस लाइन से ना ज़रा बारी बारी इनको अब कंपेयर करना, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं. अब इस फर्स्ट वाले को अगर देखें तो इस केस में x की पावर क्या आई? 3, साथ में 1 मल्टीप्लाई कर रहा है. देखो बिल्कुल वैसे की एक्सप्रेशन बन गई. तो x की पावर कैसी आ रही है? होल नंबर प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 2. यहाँ पे x की पावर कैसी है? होल नंबर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 0. इन सब में x की पावर्स कैसी आ रही हैं? होल नंबर. ये बिल्कुल वैसे का डिज़ाइन बना जैसे कि ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है. तो दिस इज एक्चुअली अ पॉलिनोमियल. बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये है पॉलिनोमियल. अब इतनी सी बात को पकड़ते हुए ज़रा सेकंड वाले पे आते हैं. सेकंड वाले में 2x प्लस 1 अपॉन x है तो हमें समझ में आता है ये एक्चुअली 2x प्लस x की पावर माइनस 1 है. 1 अपॉन x का मतलब क्या हो गया? x की पावर माइनस 1.
तो इस केस में x की पावर 1 तो इसकी पावर तो होल नंबर है, इसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल थी लेकिन ये वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इतने से पॉइंट को नहीं छोड़ना। अब बिल्कुल अपने मन में आंसर बनाओ, अपने मन में जो हम लोगों ने पॉइंट सुना उससे ही आंसर बनाओ कि क्या ये टर्म एग्जैक्टली इस फॉर्मेट की है। तो हमें दिखा कि ये टर्म इस फॉर्मेट की नहीं है क्योंकि ये पूरे 4x प्लस 3 की पावर 1/2 है। हमें एग्जैक्टली ये डिज़ाइन चाहिए, इसमें पूरे की कोई पावर नहीं अलाउड, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल ये डिज़ाइन पकड़ना है, इसको नहीं छोड़ना, इस फॉर्मेट को नहीं छोड़ना हमने। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5x स्क्वायर, तो हमें समझ में आता है कि इसका मतलब हो गया एक्स की पावर 1/2 प्लस 5x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की पावर कैसी आ गई, दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो इस केस में ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं बनी। ऐसे बोलना अपने आप को। अब लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले को ऑब्जर्व करना, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1, लास्ट में प्लस 4 अलग से, वो एक तरह से एक्स की पावर 0 बना डायरेक्टली। तो जब हमें ये एक्सप्रेशन दी गई तो हमें समझ में आता है कि इसमें x की पावर सारी होल नंबर है, साथ में जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जैसे के मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर शुड बी होल नंबर। एग्जैक्टली दिस शुड बी द फॉर्मेट एंड इट इज ओवर हेयर, सो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली अ पॉलिनोमियल। बिल्कुल ऐसे सोचना है। अब चलो, इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए जरा ये क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करो, देखो इनके आंसर क्या हम लोग बना पाते हैं अपने आप। चलो, जो एक्सप्रेशन अब आ रही है उसमें खुद देख के बताओ कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। बस इस पेज को ऑब्जर्व करो और ये क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। देखो, इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट को बहुत इजीली हैंडल करना। जैसे हमें किसी ने ये एक्सप्रेशन दी थी अभी, हमें कहा कि चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हमारे माइंड में वो जो हमने एक लाइन का डिज़ाइन बनाया बस वो रहना चाहिए। तो हमें दिखा कि यहाँ पे जो भी x की पावर्स आ रही हैं ये सारी की सारी कोई होल नंबर है। जो एंड वाला कांस्टेंट लिखा हुआ है हमें पता है कि हम उसको पढ़ सकते हैं 1 × x की पावर 0। तो सिंस नाउ ऑल द पावर्स ऑफ x आर होल नंबर्स, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। इतना सा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट करके दिखाओ। अब देखो, इस वाले टर्म में हमारा रूट क्या होना चाहिए था, हमें समझ में आता है कि इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली उस फॉर्मेट का होना चाहिए। अब ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय टू, यहाँ थी प्रॉब्लम 2x2। तो हमारा काम क्या था कि हम लोग इसको ठीक से पढ़ लें, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, एक तरह से 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस टर्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर इस टर्म से हमें प्रॉब्लम बनी क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाली टर्म में जो एक्सप्रेशन है वो 1/x² थी, जिसका मतलब क्या बन गया, x की पावर -2। ये हमारे फॉर्मेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो देयरफॉर नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बिल्कुल हमारा ये आंसर होना चाहिए था। अब देखो, जैसे अब की बार ये एक्सप्रेशन थी, अब ये डायरेक्टली जो फॉर्मेट हमने देखा ये बिल्कुल वैसे का लग नहीं रहा, पर अब देखो एग्जामिनर ने हमें थोड़ा सा डिसीव करा, तो हमें इसके लिए ही तो प्रिपेयर होना है। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है तो दिस एक्सप्रेशन कुड बी एक्चुअली सिंप्लीफाइड, कैसे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया 2 × x की पावर 5 −6 × x की पावर 4। अब ये एक्सप्रेशन कैसी बनी, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट की बन गई जो हमें चाहिए। तो ये अब की बार इसमें x की पावर कैसी बनी, 5, x की पावर क्या बनी इसमें, 4। अच्छा, अब याद रखना, ज़रूरी नहीं कि सारी x की पावर्स हों, x की पावर 3 वगैरह भी हों, बस ये एक्सप्रेशन हमने बना दी, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें जो x की पावर्स हैं दे आर ऑल होल नंबर्स पावर्स, तो क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन में x की पावर्स आर ऑल होल नंबर्स, सो दिस इज क्लियरली अ पॉलिनोमियल। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इतने से पॉइंट को याद रखना। अब इसी में ना
इसी एग्जाम्पल में एक बात सुनते हैं साथ में. अब देखो जैसे ये एक्सप्रेशन थी, अब ना एग्जामिनर ने हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिसीव करना है. हमें क्या चाहिए, वो फॉर्मेट पॉलिनोमियल का जो हमने अपने माइंड में बनाया, वो ए जीरो एक्स की पार एन प्लस ए वन एक्स की पार एन माइनस वन से लेके ए एन तक का, वही ही हमारे काम का फॉर्मेट है. तो अब कई बार एग्जामिनर विल ट्राई टू कन्फ्यूज अस, जैसा कि इसमें हुआ. यहाँ पे अब टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि क्या ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके उस तरह की बन पाएगी. तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा, कैसे, इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करा. ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 4. तो इस केस में जो x की पावर्स बनी वो सारी कैसी बनी, होल नंबर्स. सो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. व्हाई, बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ x इन्वॉल्वड इन दिस टर्म आर एक्चुअली होल नंबर्स. तो देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल. तो हमारा आंसर होता है यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. अब इतनी सी बात पे ना एक छोटी सी आसान सी नई बात अब सुनते हैं, एक नया नाम सुनते हैं, बहुत सिंपल है वो नाम भी, हमें बस फॉर एवर काम आता रहेगा, लाइफ लॉन्ग. चलो अब वो पॉइंट देखते हैं. जो अब हमने नया नाम सुनना है ना, वो नाम है कोफिशिएंट. ये है वो नया नाम जो अभी हमने सुनना, और बहुत सिंपल सा नाम है, बस ये बातें ध्यान में रखना. देखो तो जब हमने पॉलिनोमियल बनाया, जो हमने अपने माइंड में जो एक्सप्रेशन डाली, उसमें हमें दिखा कि जो x की पावर वाली टर्म्स हैं उनके साथ कोई कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. तो वो जो कॉन्स्टेंट्स जो उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, उनका नाम एक्चुअली होता है उन पावर्स के कोफिशिएंट्स. ये एक्चुअली कोफिशिएंट्स हैं. अब देखो इस बात का मतलब क्या बना. जैसे ये फर्स्ट टर्म है इस पॉलिनोमियल में, एक्स की पावर 3 वाली टर्म, इस केस में इस एक्स की पावर 3 वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो ये 2 है. तो इस टर्म x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या बना, 2. सिमिलरली x स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या बना, 5. x वाली टर्म का कोफिशिएंट, इसको याद रखना, x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो अगर हमारे माइंड में गलती से आए कि वो 3 है तो इट इज़ अ मिस्टेक. कोफिशिएंट में साथ में अगर बीच में माइनस साइन अगर है तो इट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड. तो डायरेक्टली x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट बना वो बना -3. याद रखना है ये बात, बिल्कुल ये पॉइंट है जो हमने पूरी तरह माइंड में रखना है. इसका कोफिशिएंट क्या बना, -3, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, -7. बिल्कुल ये फिगर अपने माइंड में रखना. चलो अब इसी को लेके ना एक बड़े ध्यान से एक छोटी सी बात और देखो. मान लो कहीं टर्म होती, मान लो कहीं एक्सप्रेशन होती एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2. ये मान लो टर्म होती, तो इस केस में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनता, हमें दिखता है कि साथ में 1 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो तो आ गया 1. अब कोई इसमें अगर पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं. तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं तो एक्चुअली उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करा होगा ताकि कि वो टर्म वैनिश हो जाए. तो हमें समझ में आता है कि उसके साथ एक्चुअली 0 मल्टीप्लाई करा गया होगा. तो एक्चुअली यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 है. याद रखना ये बात, ये बहुत बार बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करेगी. एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 2. तो इस वाले पॉइंट में जो मेजर बात ध्यान रखने वाली थी वो ये है, इसको माइंड में रखना कि यहाँ पे वो टर्म नहीं है, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअली 0 है. तो ये हमने एक छोटा सा नाम करा कोफिशिएंट. इसी के साथ एक्चुअली एक और बहुत काम का एक और नाम ध्यान में रखना, और वो नाम है डिग्री. हमने दो नाम सुने अभी, एक नाम सुना कोफिशिएंट, एक नाम सुनने लगे हैं डिग्री. डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है एक पॉलिनोमियल में, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है एक पॉलिनोमियल में एक्स की जो हाईएस्ट पावर आ रही हो. जैसे अब ये एक पॉलिनोमियल है, इस केस में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, सबसे बड़ी पावर कौन सी आ रही है, हमें देखा कि वो ये आ रही है 3. तो जो एक पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर आती है हम कहते हैं कि वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है. तो एक्चुअली दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. डिग्री इज व्हाट, रिमेंबर,
डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स अकरिंग इन द पॉलिनोमियल. जो उसकी हाईएस्ट पावर अकरिंग होती है वही उसकी डिग्री, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि वही उसकी डिग्री है. तो इस केस में दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. अब मान लो कोई टर्म देता हमें 2x की पावर 4 प्लस 5x माइनस 7. तो इस पॉलिनोमियल की डायरेक्टली हमें विजिबल है कि डिग्री कितनी होती. डिग्री होती है x की सबसे बड़ी पावर. तो यहां पे x की सबसे बड़ी पावर क्या बनी? 4. तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 4. इसको बस इन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना. एक हमने कोफिशियंट्स देखे जो साथ में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. एक नाम सुना डिग्री. डिग्री एक पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए क्या करोगे? देखोगे कि एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है जब उसको ऐसे हमने लिखा. तो बिल्कुल ऐसे अपने माइंड में रखना और बहुत सिंपल पॉइंट है ये भी. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा इसी बात को करने की कोशिश करो. अब देखो हमें ये एक्सप्रेशन गिवन थी. हमसे पूछा गया कि इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो. तो बहुत सिंपल सा नाम है. डिग्री का मतलब कि बताओ कि इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है. तो हमें दिखा कि एक्स की सबसे बड़ी पावर जो आ रही है इट इज विजिबल कि दैट इज 3. तो इसकी डिग्री तो हो गई 3. अब हमसे पूछा गया कि एक्स का कोफिशियंट बता दो. कोफिशियंट का मतलब होता है कि एक्स वाली टर्म के साथ जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या होगा. तो हमें दिखा कि अब की बार जो एक्स वाली टर्म के साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है दैट इज -1/3. ये बहुत काम की बात थी. मान लो इसी क्वेश्चन में कहीं अगर हमसे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया होता तो उसका आंसर क्या होता? एक्स स्क्वायर के साथ कॉन्स्टेंट क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? वो मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2. एक्स स्क्वायर के साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2. इस पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में रखना. अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था तो ना जो क्वेश्चन हमें किसी भी लेवल पे आ जाए ना तो अगर हम लोग कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हों तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन करना जानते हैं. अब देखो एग्जामिनर ने जैसे हमें इस एक्सप्रेशन में कंफ्यूज करा. हमें यहाँ पे कहा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पॉलिनोमियल. तो अब हम लोग यहाँ पे टर्म की मल्टीप्लिकेशन देख के कंफ्यूज हुए क्योंकि हमने इससे पहले ये फॉर्मेट नहीं देखा. तो काम की बात यह है कि कभी कंफ्यूज ना हुआ करो. बिल्कुल सोचा करो कि मुझे क्या करना चाहिए. तो अपने माइंड में पैटर्न बनाओ. पहला काम क्या करें कि इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो जब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा होगा तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये रहा एक्स का कोफिशिएंट. तो हमारा पहला टास्क क्या बना कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करें. कैसे करें सिंप्लीफाई? इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई करें. कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? ये एक्स मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे से प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी एक्सप्रेशन से. तो एक्स इंटू 2x क्यूब माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2x क्यूब माइनस 3. हमने इसको मल्टीप्लाई करा. एक्स इंटू 2x क्यूब 2x4 माइनस 3x प्लस 2x क्यूब माइनस 3. इसको हमने ठीक से लिख लिया. x की पावर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट. अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या बना? हमें विजिबल है कि वो तो बना -3. हमारा आंसर आ गया -3. मान लो इसी टर्म में ना हमसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी होती तो हो सकता था कि कई बच्चे इसमें ये मिस्टेक करें कि वो बोलें कि इसकी डिग्री 3 है. पर इसकी डिग्री एक्चुअली सिंप्लीफाई कर जाने पे क्या बनी? 4. तो अगर इसकी डिग्री पूछी गई होती तो इसकी डिग्री का जवाब कितना होता? 4. देखो उसको सोचते हैं ऐसे. इन क्वेश्चंस को करने में कभी हेजिटेट नहीं करते. जो मर्जी एक्सप्रेशन आ जाए. चलो अब इसी पैटर्न पे ना एक क्वेश्चन जरा और करो. अब देखो जैसे ये थी एक्सप्रेशन तो ना कभी भी एक्सप्रेशन के फॉर्मेट को देख के कंफ्यूज नहीं होना. जो बच्चे गड़बड़ करते हैं ना वो ऐसे की गड़बड़ी होती है. वो गड़बड़ कब करते हैं? जब हमें डर लगता है, जब हम लोग कंसेप्चुअली वीक होते हैं. तो इन क्वेश्चंस में ना फॉर्मेट बनाओ. कोई जल्दी नहीं है, अपने माइंड में फॉर्मेट बनाया करो. इस क्वेश्चन में हमारा टास्क होना चाहिए था कि अगर हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है इन दिस पॉलिनोमियल तो फर्स्ट वी हैव टू एक्चुअली सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. तो कैसे करें सिंप्लीफाई? हमें अब की बार ये मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ गई. कैसे करी? ये बना 3x² * 2x² - 1 + 5 * 2x² - 1.
इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 6x4 माइनस 3x2 प्लस 10x2 माइनस 5। अब देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे प्लस 10x2 है। 10x2 का मतलब क्या होता है, x square 10 बार आ रहा है। सोचो x square एक एप्पल है, ये 10 एप्पल्स रखे हैं और यहाँ पे माइनस 3 एप्पल्स हो रहे हैं, तो कितने एप्पल्स बच गए, 7 एप्पल्स। तो हमारे पास टर्म बन गई प्लस 7x square। एक्स स्क्वायर का सोचो कि वो एक टर्म है, यहाँ पे वो 10 बार ऐड हो रही है, यहाँ पे वो 3 बार सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो मिला के कितनी बची है हमारे पास, 7 बार पर प्लस में। तो 6x4 प्लस 7x2 माइनस 5, दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हमसे इसमें डिग्री पूछी गई होती या कोफिशिएंट पूछा गया होता, हमारे लिए सब कुछ फीजिबल है। तो हमसे पूछा क्या गया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना आया, 7। तो हमारा आंसर होता 7। मान लो इसी में कोई हमसे पूछता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बता दो, तो इसी एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता, 0। देखो ये पॉइंट हमने करा था, बस इसको हमने माइंड में रखना था। तो इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनता, 0। बिल्कुल इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना। देखो अब आज वाली क्लास में हम लोग कुछ नए नाम सुन रहे हैं, हमने पॉलिनोमियल्स नाम सुना, फिर हमने उसके कोफिशिएंट सुने, उसकी डिग्री सुनी। तो वो नाम बहुत छोटे छोटे से हैं, पर हमारे सामने बुक्स में बहुत बार वो नाम आते रहते हैं, तो हम लोगों को पूरी तरह उन नामों को रिकॉग्नाइज करने की समझ होनी चाहिए। कोई स्पेशल काम नहीं है, हमने कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नाम भी नहीं सुने। तो अब वैसे के कोई नाम है जो कि हम लोग फ्रीक्वेंटली फेस करेंगे, तो बस इनको ध्यान में रखना। तो उनमें से पहला नाम है मोनोमियल। एक्चुअली मोनोमियल क्या होता है कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बस एक सिंगल टर्म हो। जैसे मान लो किसी ने दे दिया 2x³, ये बन गया मोनोमियल, सिंपल मोनोमियल विथ अ सिंगल टर्म। अब मान लो किसी ने दे दिया x⁴40, ये कैसी टर्म बनी, एक सिंगल टर्म। मान लो किसी ने बोला -x⁵, ये भी कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मोनोमियल। इस नाम को नहीं भूलना, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल। ऐसी बाइनोमियल डायरेक्टली पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, कैसे की भी दो टर्म्स हो। मान लो x⁵ प्लस 2, इसमें टर्म्स कितनी आ गई, दो टर्म्स आ गई। मान लो किसी ने बोला x⁸ प्लस x⁴3, ये कैसे की एक्सप्रेशन बनी, बाइनोमियल। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज अ बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। इस पॉइंट को नहीं छोड़ना, बिल्कुल इस बात को अपने माइंड में रखना। सिमिलरली ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, कोई ट्रिक नहीं इसमें, बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है। मान लो x³ प्लस x² प्लस 1। अब ना इस पे मान लो कि अभी अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि फाइंड अ मोनोमियल हुज डिग्री इज 35, तो हमसे क्या बोला गया, एक ऐसा मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री कितनी हो, 35। तो डिग्री 35 होने का मतलब क्या हो गया, कि उसमें x⁵ तो 35 होनी चाहिए और कैसा हो, मोनोमियल। तो क्लियर, ये रहा हमारा आंसर। अब देखो हमें जब इन नामों की क्लैरिटी होना, तो फिर हमारे सामने कैसे भी ये नाम बदल के आ जाएं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना होता, वही एक्चुअली सही अंडरस्टैंडिंग है। मोनोमियल क्या होता है, फटाफट हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म हो। अब अगर मान लो हमसे कहा गया कि एक ऐसा मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो, तो मोनोमियल तो होता है सिंगल टर्म, डिग्री 35 कब होगी, जब उसकी पावर 35 हो जाए, तो ये हमारा आंसर हो जाता। मान लो इसके साथ मैं कोई भी कांस्टेंट लगा दूं, मान लो 10x³35, तो हमें समझ में आता है कि ये भी करेक्ट है। वाई, बिकॉज इट इज स्टिल अ मोनोमियल हुज डिग्री इज 35। तो इन पॉइंट्स को बस ऐसे पकड़ो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, पर इनको बिल्कुल अपने माइंड में ऐसे डालो, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट शुड बी नोन टू अस स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ऐसे ही हमें पता होने चाहिए। किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड अ बाइनोमियल हुज डिग्री इज 10, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, बाइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि दो टर्म्स हैं, डिग्री 10 का मतलब एक्स की सबसे बड़ी पावर को 10 होना चाहिए। तो हम कोई भी बना देते, मान लो 2x⁵10 प्लस x⁴3,
इसमें टर्म्स कैसी आ गई, दो टर्म्स आ गई, और इसकी डिग्री कितनी बनी, 10. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. हम कितने भी मर्जी और बना लेते, इट वॉज टोटली अप टू अस. तो ये बहुत आसान सा नाम है, इनको बस हमने माइंड में रखना है. अब एक नाम और सुनते हैं. देखो हमने आज क्या क्या नाम करे. हमने सुना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर हमने करा कि उसका कोफिशंस का मतलब क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है. उसके बाद हमने एक आसान सा नाम करा कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है, बस हमें वो नाम की रिकॉग्निशन होनी चाहिए. पर जो मेन हम लोग जो इंटरेस्टिंग बात आज के दिन में करने वाले हैं ना, वो ये है एक्चुअली. अब देखना क्या, अब जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, अब इस पॉलिनोमियल का ना अब एक नाम रखते हैं. उसका नाम देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे पहली बार इसका नाम डिफाइन करा, पी ब्रैकेट के अंदर एक्स. इसको पता है कैसे बोला करो, इसको बोला करो पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें इस सोचो कि पी कोई एक मशीन है, उसके अंदर जब हमने एक्स डाला तो उसका ये आंसर आया. तो पी ऑफ एक्स का आंसर ये है. ये पी मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं हो रहा, याद रखना, ये पी मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं हो रहा, ये पी ऑफ एक्स है. इसका मतलब क्या हो गया, हमने इस पूरे पॉलिनोमियल का एक नाम रख लिया. अब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है पी ऑफ एक्स. अब देखो इस बात का सेंस क्या बना, हमें समझ में आ गया कि पी ऑफ एक्स मतलब इसमें एक्स डाले जाने पे इसका जवाब ये बनता है. तो मान लो कोई हमसे पूछ ले कि पी ऑफ वन बताओ, तो क्या करेंगे, हमें बता दिया गया कि एक्स डाले जाने पे उसका आंसर ये बन रहा है. तो वन डाले जाने पे आंसर कैसा बनेगा, वो कैसे निकालें, सिंपली इसमें वन डाल दें, पी ऑफ वन निकाल दें. वो कैसे निकालें, सिंपली यहाँ पे एक्स की जगह हम वन पुट करा दें. तो हमने करा दिया, वन का क्यूब प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन माइनस वन. ये क्या बन गया, वन प्लस टू थ्री, प्लस फाइव एट, एट माइनस वन सेवन. इसका आंसर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड सेवन. तो पी ऑफ वन इज सेवन. कोई हमसे पूछ ले फाइंड पी ऑफ वन, तो हमें समझ में आता है कि इस बात का मतलब क्या है, कि सिंपली हमने इस पी वाले स्ट्रक्चर में एक्स की बजाय वन डाल देना है. अब सिमिलरली कोई बोले कि पी ऑफ माइनस वन निकाल दो, तो क्या करेंगे, सिंपली एक्स की जगह एक्स को वन लेने की जगह सिंपली उसको माइनस वन डाल देंगे. वो आगे माइनस वन का क्यूब प्लस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस वन और एंड में माइनस वन. ये बन गया माइनस वन प्लस टू वन माइनस फाइव, दैट इज माइनस फोर माइनस वन, इट इज माइनस सिक्स. देखो ये देखो कि इसको निकालना कैसे है, क्या करना है, कितना सिंपल सा काम है. सिंपली इस स्ट्रक्चर में हमें कहा गया इस पॉलिनोमियल में कि पी ऑफ माइनस वन निकालो, तो सिंपली हमने एक्स को वन लेने की बजाय माइनस वन ले लिया. अब हमसे कहा गया अगर मान लो पी ऑफ जीरो निकालो, तो क्या करेंगे, सिंपली एक्स को यहाँ पे जीरो पुट करा देंगे. वो आ गया जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस वन, विच इज माइनस वन. देखो इसको बोलना, इसको सोचना कैसे है. अब ज़रूरी नहीं कि वो हमें सिंपल ऐसे एक्स ही हर बार कोई वैल्यू पुट कराने को बोलें. मान लो कोई हमें बोले कि पी ऑफ के बता दो, तो हमें समझ में आता है कि पी ऑफ एक्स डाले जाने पे इसका आंसर ये आ रहा है. पी ऑफ एम डाले जाने पे क्या आता, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एम आ जाता. तो पी ऑफ के डाले जाने पे क्या होगा, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे के आ जाएगा. बस इतना सा पॉइंट है. वो बन गया के क्यूब प्लस टू के स्क्वायर प्लस फाइव के माइनस वन. देयर वॉज नो ट्रिक. अच्छा अब अपने मन में ये बनाओ, मान लो कोई बोले कि पी ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो क्या करोगे, इतना सा पॉइंट पकड़ोगे कि सिंपली जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा. तो को याद रखना पी ऑफ माइनस एक्स क्या बना, सिंपली जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा. नो न्यू ट्रिक. माइनस एक्स का क्यूब प्लस टू इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस एक्स माइनस वन. इसको एग्जैक्टली हमें ऐसे बनाना चाहिए था. तो एक्चुअली ये सिंप्लीफाई हो जाता, ये बन जाता माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन. पर देखो इसको सोचते कैसे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. पी ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि इस मशीन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे अब की बार माइनस एक्स डालो, इस पॉइंट को नहीं छोड़ना. तो अपना नेक्स्ट क्लास में जो हमने जो काम करना है ना, उसमें ये बातें बहुत काम आएंगी. हमसे कहा जाएगा कि एक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट सर्टेन पॉइंट्स,
या ऐसे की टर्म्स बनाओ, तो इनको बनाने से बिल्कुल नहीं हेजिटेट करना, पूरे कॉन्फिडेंस से बनाना होता है। बस इस पैटर्न को आज पहली बार हम देख रहे हैं, इसको माइंड में लेके आना शुरू करो। तो दिस इज़ अ वेरी बिग स्टोरी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अल्टीमेटली जाते जाते हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने शुरू कर चुके होंगे, पर आज इनको बस पहली बार ऑब्जर्व करो कि हाँ, हम लोग इस पैटर्न को बनाना जानते हैं। देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन करा, देखो क्वेश्चंस ही हैं जो कि हमें पुश करेंगे, वही हमें इम्प्रूव कराएंगे जब हम खुद सोचेंगे। तो अब हमें ये एक्सप्रेशन गिवन थी और हमसे इस टर्म का जवाब निकालने को कहा गया, तो हमारे माइंड को क्या करना चाहिए था कि हम लोग टर्म को तोड़ते। देखो बिल्कुल ये गेम वाला स्ट्रक्चर है, हमें ब्रेक करना है तो हम डिसीजन मेकर हैं, वो डिसीजन लेने में हमें कोई नहीं रोकता। गलत होते हैं क्वेश्चंस, कुछ नहीं होता, पर करा करो। जैसे अब ये एक्सप्रेशन है, तो हमें क्या करना चाहिए था इस टर्म को निकालने के लिए, हमें इन तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग निकाल लेना चाहिए था, और कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। तो हमने बनाया, हमने पी ऑफ टू निकाला, हमने सिंपली इस एक्सप्रेशन में x की जगह 2 पुट करा दिया, फिर हमने p ऑफ माइनस 1 निकाला, वो आ गया सिंपली 3, और फिर हमने p ऑफ 3 निकाला, वो आ गया 35। तो जब हम लोग इन तीनों को निकाल गए, तो उसके बाद तो हमें समझ में आता है कि कोई काम बचा ही नहीं। सिंपली p ऑफ 2 12 माइनस 3 प्लस 35, हमारा आंसर आ गया 44। तो दिस क्वेश्चन वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर इसको पकड़ना हमने ऐसे था। अब हमने ये जो पॉइंट कराना, ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे माइंड में ये पिक्चर पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें। अब आज वाली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स पे कुछ नए नाम सुने। अब देखो, हर क्लास में जो नए नाम आते हैं ना, वही हमारे माइंड को और ओपन करते हैं, हमें नए चैलेंजेस मिलेंगे। जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चंस बोर्ड पे हमें साथ साथ मिलेंगे, वो बुक्स में भी नहीं होंगे, वो हमें डिफरेंट तरीके से चैलेंज करेंगे, वही ही इम्प्रूवमेंट है। तो उन क्वेश्चन से, उन चैलेंजेस को लेने से कभी हेजिटेट मत करना, पूरी तरह ट्राई करा करो कि क्वेश्चन हमसे खुद सॉल्व हो, वही हमें इम्प्रूव कराता है, यही चीज़ हमें इम्प्रूव कराएगी। दिस इज़ द स्ट्रक्चर विच वी एक्चुअली रिक्वायर। तो पूरा जोर लगाया करो कि क्वेश्चन हमसे हो सके। चलो, अब जो आज नाम करे, इनको बस 5 मिनट्स के लिए बस रिकॉल कर लेना, फिर जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन नामों के आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बड़ी आसानी से डील कर पाएंगे। बस अभी इतना काम रिवाइज करो।